हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और टाइम देख सकते हो आप, 8:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं मेरी ननद की बहू की गोद भराई है। जी हाँ हाँ, बेबी शावर भी बोल सकते हो, गोद भराई भी रस्म है। कल ही जाना था पर कुछ काम था तो इस वजह से नहीं। कहाँ जा रहे हैं अपन? बुआ जी से मिलने। दोनों हो गए हो रेडी? हाँ? दिखाओ, जेब में हाथ डालो। अरे वाह, कौन कौन आ रहा है साथ में? और मेरे पापा और दादी। दादी नहीं चलेगी क्यों? सही तो और पापा जा रही है और मम्मी जा रही है और मैं सब गाड़ी पर। हाँ? बैठ जाएंगे, गाड़ी पर हाँ? बैठ जाएंगे, सब गाड़ी पर बैठ जाएंगे। चल जाएगी किट्टू, तू भी चल। बाय शाइदा, देखो तुझे की तो भी आ जाए। वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था कि छोटी की शादी है तो बस वहीं पर हम लगे हैं शॉपिंग, कभी क्या कभी क्या। तो कल शॉपिंग की वजह से हम नहीं जा पाए, बट हमें शाम को ही जाना था, इस वजह से आज सुबह मॉर्निंग में ही निकल गए। और मम्मी जी को भी कल ही भेजना था तो नहीं जा पाए, ये भी हमारे कारण। तो आज हम सब एक ही गाड़ी पर लदालत होकर जा रहे थे। पहले तो मैंने बोला कि बच्चों को नहीं लेते हैं, छोटी के पास छोड़ देते हैं, बट मेरी दीदी है ना, वो नहीं मानते। वो कभी कभार तो मिलना होता है बच्चों से और वो बोलेंगे कि छोड़ कर आ गए। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं बाजना। तो यहाँ पर ना एक पुल है जो बारिश के टाइम इतनी भयंकर बुरी हालत से टूट टूटा गई है, फिर भी इसी रास्ते से आना जाना होता है। ये देखिए पानी की वजह से क्या हालत हो गई, आप देख सकते हो पुल की। और ये यहाँ से टूट गई है, बिल्कुल धीरे से निकलना पड़ता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मतलब हम नहीं, बहुत सारे जाते हैं यहाँ से, तो बसें भी जाती है, पता नहीं ये कब ठीक होगी। बट आप वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आज आपको वीडियो। और यहाँ पर ये देखिए जीजा जी हमारे, मतलब नंदोई। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों को पहले ही गाड़ी से उतार दिया, मतलब वही रहता है, बच्चे होने के बाद हमारी कदर कम हो जाती है बट बच्चों की बहुत ज़्यादा पूछ होती है। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि आपके साथ भी होता है। मैं कहीं भी जाऊँ, मायके जाऊँ, पहले ही वहाँ पर भी बच्चों को ही लेते हैं, फिर मुझे पूछते हैं। और ससुराल में भी कहीं जाना हो तो पहले बच्चे फिर हमारा स्वागत होता है। खैर वो तो करना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे सबसे ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर डेकोरेशन वाले डेकोरेशन कर रहे थे, थोड़ी बहुत हो चुकी थी। ज़्यादा कोई मेहमान नहीं है क्योंकि हमारे जो ननंद जी हैं इनके परिवार में मतलब ज़्यादा मेहमान बुलाकर गोद भराई की रस्म नहीं की जाती है। मतलब पहले का कोई रूल होता होगा, मुझे नहीं पता। और वहाँ पर डेकोरेशन वाले डेकोरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी ननंद बेचारी अकेले ही खाना बना रही है। हम सबका ज़्यादा कोई मेहमान नहीं, बस हम ही हैं और मेरे जेठ जेठानी, बस वही आएंगे और हमारे घर वाले, बस यही है। तो यहाँ पर ये दीदी कब से ही लग गई थी, गुस्सा कर रही है कि तुमको कल ही बुलाया था पर आए नहीं, तो हमने यहाँ पर इनको से सॉरी मांगी। होता है यार घर में शादी हो तो। और डेकोरेशन चल ही रही थी कि बच्चों का ही देखिए, मतलब खेलने के लिए इनको पूछना नहीं पड़ा कि हम कहाँ खेलें, इतने सारे इनको गुब्बारे दिख गए तो ये अपने आप में बिज़ी हो गए गुब्बारे खेलने में। और काफ़ी ज़्यादा तो इन्होंने फोड़ भी दिए थे यहाँ पर डेकोरेशन के टाइम पर। गाड़ी वाड़ी पहनेंगे बाद में, अभी तो तो हमारी ड्यूटी लग गई है खाना बनाने। क्या बन रहा है कंदोई जी? अभी दाल बन रही है। काई की? मेर की। अच्छा नहीं, ये मसाला पक चुका है। चेरी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मत कर मत कर मत कर मत कर। मेरी गोद में
तो गाइस डेकोरेशन हो गई थी, खाना भी बन गया था, दाल हस्बैंड जी ने बना दी थी और बाबले छत के ऊपर बन गए थे। और यहाँ हम हो गए हैं रेडी, नेहा को भी हमने रेडी कर ही दिया था। तो बस ये है मेरा फाइनल लुक और ये रहा नेहा का लुक। तो मतलब हम पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद ही हम जो भी फ़ोटोशूट वगैरह होंगे वो करेंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा कहते हैं ना, फिर भूख लगाएगी बीच बीच में नहीं तो। और डेकोरेशन देखिए कितना प्यारा हुआ है और कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, पिंक और ब्लू का बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेशन। तो बस यहाँ पर पहले खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। आप बोलो कि हमें तो बुलाया नहीं, बट वो बोलते हैं ना कि परिवार वाले को भी बहुत कम को बुलाया है, इस वजह से मतलब पहले का कोई रूल है इनके। मेरी जब गोद भराई हुई थी ना तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत पब्लिक का खाना था और बहुत ही धूमधाम से हुई थी गोद भराई, बट उस टाइम में व्लॉग नहीं बनाती। बट आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि यार क्या मैं उस टाइम अपने व्लॉग बनाती तो शायद मे भी ये पल जी पाती क्योंकि ये जो पल होता है ना ये बहुत यादगार पल होते हैं एक महिला के लिए। भगवान करे ये खुशी सबको ही मिले, भगवान इस खुशी से किसी को भी नज़रअंदाज ना करे। खैर यहाँ पर हमारा खाना हो गया था और उसके बाद में बस अब गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ थाली, और दो थाली लगाऊंगी, एक में तो रखूँगी पूजन का सामान और एक में जो गोद के अंदर डाल मतलब भरते हैं ना, गोद भराई होती ना वो सारी चीज़ें डालूँगी। और फ़ोटोशूट भी होने लग गए हैं बाहर, तो बस पहले मैं थाली सजा देती हूँ क्योंकि ये काम मुझे बोला गया था। तो बस पहले मैं आराम से थाली सजा के फिर जाऊँगी फ़ोटोशूट करवाने। और वीडियो कैसा क्या लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए गोद भराई की थाली, दो थाली लग चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहे हैं। तो ये है मेरी मम्मी जी यानी कि सासू माँ। तो सबको अपना अपना डैशबोर्ड दिया गया है और सबके साथ डैशबोर्ड के साथ फ़ोटो खो गए हैं, यानी कि जो बेबी के मतलब जो बेबी आने वाला है, जो जिसका जो लगता है रिलेशन में, यानी कि बीमा मामा में लगेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए मेरे क्या बोलते हैं जेठ जी जेठानी जी, उनके बाद हमारा नंबर आया है। हमारे हस्बैंड जी बहुत हंसाते हैं यहाँ इस टाइम बहुत ज़्यादा। गाइस यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट हो रहा है और यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बनाई थी, बट कुछ टेक्निकल इशू बोलते हैं ना, मोबाइल ही बहुत बेकार हो गया मेरा, तो सारी की सारी डिलीट हो चुकी, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। और ये है मेरे ननद नंदोई, मतलब मुझे लगता है कि मेरी जो फैमिली है ऑलमोस्ट जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो सब पहचानते ही होंगे, क्योंकि ये काफ़ी मतलब वीडियो में आते हैं, कुछ भी फंक्शन हो तो आते वीडियो में, और काफ़ी ज़्यादा इनको पहचानते भी हो गए। कौन कौन मेरे ननद नंदोई को पहचानता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद में हो रही है गोद भराई की रस्म, इसका टाइम था तो उसी टाइम के हिसाब से हो रही है, मतलब जो शुभ मुहूर्त होता है ना उसी में। और यहाँ पर ये शुभ अवसर मुझे मिला था, बहुत खुशी मिल रही थी कि यार चलो पता है ना यार कि लाइफ में पहली बार में भी किसी की गोद भराई कर रही थी, बहुत अच्छा लगता है। बस भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी एक प्यारा सा बेबी, जो भी हो, गर्ल बेबी, गर्ल हो बेबी बॉय हो, बस हंसी खुशी हमें दे दे और हमारी नेहा को भी बहुत स्वस्थ रखे, क्योंकि ये पल है ना बहुत डिफिकल्ट होता है जो आने वाले दिन है बहुत ज़्यादा। तो बस प्रार्थना करने के बाद में यहाँ पर गोद भराई की रस्म शुरू कर रही थी। और मेरे टाइम पर शायद मैं हाँ शायद ही पक्का मेरी ननंद जी ने भरी थी गोद भराई मेरी, और मेरे बच्चे बहुत ही नॉर्मल तरीके से आराम से हो गए थे। बस मैं भी वही दुआ करती हूँ कि हमारी नेहा के भी बहुत ही बिना दुख तकलीफ के बेबी गर्ल बेबी बॉय, मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए, पता नहीं अब भगवान क्या देगा। बट जो भी है बस हंसी खुशी हो जाए यही दुआ करते हैं हम। और उसके बाद में आपके यहाँ कैसे क्या होती है गोद भराई आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ना। बस ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं आपके कमेंट का ही इंतज़ार करूँगी। सो जैसा भी हो आप अपना सजेशन बताना। यहाँ पर गोद में सबसे पहले कंकू चावल मतलब पानी का छीटा देंगे, कंकू चावल और लच्छा, उसके बाद में जो भी फल हो पांच फल, पतासे, मिठाइयाँ, नारियल, और बस यही रखे जाते हैं अच्छी मनोकामना कर कर।
में जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आपको थोड़ी सी वॉइस ऐसे ही, मतलब पता नहीं अजीब आ रही होगी, क्योंकि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे किट्टू का, तो इस वजह से हम, मतलब सरप्राइज है, आप मैं पहले नहीं बताऊँगी, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। बट ये वीडियो भी आपके साथ पहुँचाना ज़रूरी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा वॉइस ऐसे ही गड़बड़ा रही है। उसके बाद भी यहाँ पर गोदबरी की रस्म पूरी हो गई थी, और जो ये गोद में रखते हैं हम सारा कुछ सामान, ये कुछ भी नीचे नहीं गिनना चाहिए, तो बस समेट के उसको दे देती हूँ। उसके बाद में कुल देवता को धोग लगाया जा रहा है दिशा के हिसाब से। फिर यहाँ पर हो रही है डेरी पूजा, मतलब जो दरवाज़ा है उसको पूजा जाता है, जो जिसकी गोद भराई हुई है बहू वही। ये पल है ना बहुत शानदार लगते हैं, बहुत ज़्यादा, जब अपन प्रेग्नेंट होते हैं ना तो ये मोमेंट इतने अच्छे होते हैं। पर मेरा कोई भी मोमेंट कैच नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बनाती, बहुत ज़्यादा मतलब लगता है ना कि यार देखते हम। फिर उसके बाद में सारा कुछ निपट गया था कार्यक्रम। उसके बाद में यहाँ पर गर्मी इतनी भयंकर वाली लग गई थी कि फिर सब ने एक 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 आइसक्रीम खाई, मंगवाई थी तो फिर सब ने एक 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 आइसक्रीम खाई, ठंडा ठंडा बिल्कुल होता है ना, गर्मी में चाय पीने का मन नहीं करता, तो यहाँ पर आइसक्रीम ले आए थे, तो बस सबको बांट देते हैं। बाद रस्म के अनुसार बस जल का लोटा लेकर सामने आते हैं। मतलब अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और मुझे बाजना से कौन कौन देख रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे नहीं लगता कि बाजना के कोई सब्सक्राइबर होंगे, बट बताना कहाँ कहाँ से देख रहे हो आप मुझे, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो, ये मेरा मतलब ये था। तो यहाँ पर काम भी चल रहा है, क्योंकि हमारा और गोलू का काम सबका गैरेज ही है, सबका ऑलमोस्ट मेरे पूरे परिवार में ससुराल पक्ष में गैरेज ही करते हैं। फिर जल का लोटा लेने के बाद में फिर एक और जल का लोटा मैंने ले लिया है, ये देखिए आप देख सकते हो, और मैं जा रही हूँ ताज़ा पानी भरने के लिए। ये रस्म होती है पहले के ज़माने में तो मटका भर कर लाया जाता था, बट अब तो कोई नल वगैरह के सिस्टम हो गए हैं, तो बस एक शुभ करने के लिए बस एक जल का लोटा मैं यहाँ से हेडपम्प से भर कर ले जाऊँगी घर पर, और बस वहाँ पर रख दूँगी। सारा कुछ काम आराम से अच्छे से हो गया था, और ये देखिए बिखेरा इतना कुछ हो गया था, तो बस ये समेट लेते हैं और हम भी अब जल्दी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि शाम हुई थी, सुबह से आए थे तो शाम होने वाली थी, और छोटी घर पर अकेली थी तो इस वजह से हमें शाम को ही निकलना था, ताकि हम आराम से वहाँ तक पहुँच जाए, हमारे घर तक। तो बस ये जितना भी छोटा मोटा काम है ये निपटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं हम भी। और वीडियो आपको कैसा क्या लगा ये भी आप उसे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए जाते जाते हमने सारे जितने भी गुब्बारे डेकोरेशन हुआ था सब हमने ही फोड़ दिए। सजाने में कितना टाइम लगता है और बिखेरने में कितना, 2 मिनट भी लगा। मैंने सोचा कि यहाँ कौन फोड़ेगा, मैं ही इनको सबको फोड़ देती हूँ, पूरा घर में कचरा ही कचरा हो गया था। बट वही है ना कि सजा तो दिया, अब इनको कहाँ ले जाए। सोचा था कि बर्थडे किट्टू का आ रहा है तो इनको ले जाए, लेकिन इनको ले जाए कैसे और हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब सजाने की, डेकोरेशन करने की, बट अब क्या करें। खैर हमारे यहाँ से हो गई है विदाई अब, साथ ही साथ हमारी भी, बच्चों की भी, और बस बाइक पर हम जाएंगे जैसे तैसे कर। तो बस वीडियो यहीं कर देते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार के चैनल पे आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।